हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए साइंस का कुछ बायोलॉजी का क्वेश्चन देखने वाले, इंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कुछ क्वेश्चन है। 20 से 25 क्वेश्चन करवाने वाले दोस्तों, एक्सपेक्टेड है हूबहू परीक्षा में छपेगा इस टाइप का सवाल। ठीक है, ईएसओ का सपना आपको ज़्यादा दूर है नहीं, बस एग्जाम लेने की देरी, आपका सलेक्शन वैसे आपको होने वाला है, टेंशन मत लीजिए। जो लगे हुए 2 साल से 3 साल से उसका सलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किएंगे तो, और हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। बताइए, एक दवा जो मूत्र के स्राव को बढ़ावा देती है उसे कहा जाता है, ए मेडिसिन विच प्रमोट द सिक्रेशन ऑफ यूरिन, उसको क्या बोलते हैं। ए मेडिसिन विच प्रमोट्स द सिक्रेशन ऑफ यूरिन, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मूत्रवर्धक। मूत्रवर्धक बोलते हैं या हिंदी में डायुरेटिक बोलते हैं, सी ऑप्शन। द केमिकल रिलीज्ड बाय वन स्पीसीज ऑफ एनिमल इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द अदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज, एक ही प्रजाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए जानवरों के एक प्रजाति द्वारा जारी रसायन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं। बताइए, उसको क्या बोलते हैं, फेरोमोन बोलते हैं। बिल्कुल दोस्तों, फेरोमोन बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है, फेरोमोन। फेरोमोन क्या दोस्तों, एक केमिकल है जो रिलीज होता है वन स्पीसीज के द्वारा टू अट्रैक्ट द अदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज, उसको बोलते हैं फेरोमोन्स। फेरोमोन्स उसको बोलते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। द सोर्स ऑफ द एंजाइम डायस्टेस इज, एंजाइम एक स्रोत, डायस्टेस है, डैश है, क्या है बताइए, क्या दोस्तों, लार ग्रंथि मतलब सलेबरी ग्लैंड। इन द ह्यूमन बॉडी कॉपर्स ग्लैंड्स फॉर्म ए पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, मानव शरीर में कॉपर ग्रंथियों निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा बनती है, बताना है। कॉपर्स ग्लैंड किसका हिस्सा बताइए, किसका हिस्सा दोस्तों, ये बताइए कॉपर्स ग्लैंड किसका हिस्सा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, किसका है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन ह्यूमन बॉडी कॉपर्स ग्लैंड्स फॉर्म ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ड्यूरिंग एक्साइटमेंट विच हार्मोन रिलीज हायर अमाउंट, उत्तेजना जब होता है आपके अंदर तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता निकलता है बताइए, एट द टाइम ऑफ एक्साइटमेंट, क्या होता बताइए, एक्साइटमेंट के टाइम एड्रेनालिन। ठीक है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो ग्लैंड है, ग्लैंड से एक सवाल आप मान के चलते हैं 100% श्योर मान के चलते हैं, क्वेश्चन आएगा आएगा। ठीक है, आसान देते तो अच्छी बात है, डीप में जाएगा तो फिर देखिए फंस जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। विच इज मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एज इमरजेंसी हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में किसे आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है, किसको बोलते हैं दोस्तों इमरजेंसी हार्मोन, एड्रेनालिन, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये बताइए, इसको थोड़ा छोटा कर देते, चल इसको और छोटा, थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति में भूरी आंखें, नीली आंखें और काली आंखें होगी जो कि विशेष वर्णन के आधार पर होती है, ए पर्सन विल हैव ब्राउन आइज, ब्लू आइज और ब्लैक आइज डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर पिगमेंट इन द, कहाँ पे, पुपिल, कॉर्निया, एरिस, क्रोइड। आयरिस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आयरिस, सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, इसका आंसर सी हो जाएगा। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल एंड स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ, बताइए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नियंत्रण और विकास को प्रोत्साहित करते हैं, कौन सा ग्लैंड को, क्या बोलते हैं इसका, अस्तन ग्रंथि बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अस्तन ग्रंथि, मेमोरी ग्लैंड, सी ऑप्शन। द मेंबर कवरिंग द लंग्स, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, जो लंग्स को कवर कर फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं, प्लोरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंग्स कहने तो प्लोरा हो जाएगा, तो इसका आंसर फुलेरा, ए हो जाएगा। द एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, बताइए,
गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? कौन सा होता है दोस्तों? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। चलिए ए ऑप्शन। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करने वाला अंग होता है। द ऑर्गन विच स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज ग्लाइकोजन इन ह्यूमन बॉडी इज इंटेस्टाइन स्टोमेक पेनक्रियाज लिवर। बताइए द ऑर्गन विच स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज ग्लाइकोजन इन द ह्यूमन बॉडी, इसको लिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत। बाइल इज स्टोर्ड इन द, बताइए पित्त डैश में जमा होता है। बाइल कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा भाई। कहाँ पे होगा? गॉल ब्लैडर, पित्ताशय जिसको बोलते हैं हिंदी में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सीक्रेट इंसुलिना, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं इंसुलिना का स्रोत करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप फंस सकते हैं इस टाइप क्वेश्चन में। तो कौन सा सेल, क्योंकि अल्फा बीटा गामा दे देगा तो फंस जाएगा। तो कौन सा याद रखें? इंसुलिन सीक्रेट कौन करता है दोस्तों? इंसुलिन हमेशा याद रखना, बीटा सेल। कौन सा सेल? बीटा सेल। क्वेश्चन बनता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, बीटा सेल बोलते हैं इसको। चलिए बताइए एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक के बारे में बताइए क्या होता है? ऑप्शन पढ़िए, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। कहाँ गए भाई? चलिए ऑप्शन पढ़िए, एंटीबायोटिक क्या होता है बताइए। चाहे आप बताइए एंटीबायोटिक क्या होता है दोस्तों? एक सूक्ष्म जीव द्वारा एक अन्य सूक्ष्म जीवों के खिलाफ संश्लेषित रासायनिक को बोलते हैं। जैसे कहने मतलब एक केमिकल सिंथेसाइज्ड बाई ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक बोलते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये बताइए चलिए एलोसोम्स मतलब एलोसोम्स क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है, प्लांट हार्मोन्स है, एलिस है, सेक्स क्रोमोसोम्स क्या है बताइए? एलोसोम्स क्या है? बताइए बताइए ये क्या दोस्तों? सेक्स क्रोमोसोम है। क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे देख लीजिएगा। इस टाइप क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, फंसिएगा नहीं आप लोग। हालांकि चैनल के साथ जुड़े हुए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे भी क्वेश्चन अच्छा अच्छा मिलेगा, मिलते आ रहा शुरू से, अभी मिलेगा एग्जाम तक मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पीडीएफ पाने के लिए, जीएसएससी वाला यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में।